सो हेलो गाइस, आ चुका आपका भाई और एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का अपना यूट्यूब बैनर बनाने सिखाएंगे। तो गाइस आप लोग भी अपने यूट्यूब बैनर बना सकते हो कुछ इस टाइप में प्रोफेशनल, आप भी अपने यूट्यूब को प्रोफेशनल बनाइए। तो कैसे बनाना है तो गाइस अगर आप लोगों को बनाना है तो वीडियो को एंड तक देखना, फुल वॉच करना, आप लोग भी सीख जाओगे। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस चलिए अब मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो गाइस अगर आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल का बैनर बनाना है तो गाइस आप लोग को ये पिक्सल ऐप आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो गाइस आप लोग को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग को प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस चलिए अब हम लोग पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं। तो गाइस आप लोग जैसे ही पिक्सल ऐप को ओपन करेंगे आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो गैस आप लोग को ये वाला फॉन्ट है जो इसको आप लोग को डिलीट करना है न्यू टेक्स्ट को। तो गैस आप लोग को इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ऊपर कोने में डिलीट वाला आइकन मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ से डिलीट कर लेना है, यहाँ से हम कर लेंगे डिलीट। उसके बाद गैस आप लोग को इसको जो है यूट्यूब थंबनेल का साइज बनाना है, तो आप लोग को बनाना ही पड़ेगा। इसलिए कि आप लोग बैनर बनाने चाहते हो अपने यूट्यूब का तो आप लोग को इसको यूट्यूब थंबनेल का साइज बनाना ही पड़ेगा। तो गैस बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर इमेज साइज मिल जाएगा। देन आप लोग को यहाँ पर इमेज साइज पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यूट्यूब थंबनेल साइज मिल जाएगा एंड आप लोग को यहाँ पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ कर देंगे हम ओके। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग हमारा यूट्यूब थंबनेल साइज हो गया। तो गाइस अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना बैनर को कैसे बनाना है काफी आसान है तो गाइस हम जितने भी PNG यूज करने वाले सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर लिंक आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आप लोग जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप लोग भी अपने बैनर जो है प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो। अगर आप लोग बना नहीं सकते हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। तो गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर बैनर बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पे जाना है। यहाँ से गाइस हम लोग PNG को ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ से आप लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद देन यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कर देना है डन। तो गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इसको साइज बना लेना। तो साइज बनाने के लिए गाइस आप लोग को यहाँ पर ये वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर साइज पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो इसको 100 कर देना, यहाँ पर साइज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपने चैनल का नेम ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पर ऐड करने के लिए आप लोग को यहाँ पर न्यू टेस्ट पे जाना है। यहाँ पर आप लोग को ए वाला सेक्शन पे आना है। यहाँ पर इस पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पर न्यू टेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर आप लोग को यहाँ पर ऊपर कोने में आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा ये वाला, देन इस पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को अपने चैनल का नेम ऐड करना है। यहाँ पर आपका चैनल का नेम जो भी है आप लोग वही यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम अपने चैनल का नेम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर टाइप कर लेना है कदरी एडिट। तो गैस यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम ऐड किए हैं। तो गैस आप लोग को जो अपने चैनल का नाम ऐड करना है तो यहाँ पर आप लोग को इतना पे करने के बाद आप लोग यहाँ पे कर देना डन। तो गैस यहाँ पर हमारे चैनल का नाम ऐड हो चुका है। तो गैस यहाँ पर अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा फॉन्ट चेंज करने के बाद। तो गैस आप लोग को यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर AB फॉन्ट मिल जाएगा, देन आप लोग को इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ऊपर की तरफ करना है। यहाँ पर आप लोग को इधर आना है कुछ इस टाइप में, तो आप लोग को ये वाला फॉन्ट मिल जाएगा। देन इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, उसके बाद कर देना ओके। तो गैस यहाँ पर हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। देन इसको हम थोड़ा लंबा करेंगे। तो गैस आप लोग को यहाँ पर स्पेसिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से आप लोग को थोड़ा सा इसको घींच लेना है, कुछ इस टाइप में आप लोग को घींचना है। तो काफ़ी अच्छा जो आपका यहाँ पर साइज बन जाएगा। देन इतना पे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद गाइस इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो गाइस आप लोग को यहाँ पर कलर्स वाला आइकन मिल जाएगा। देन इधर आप लोग को यहाँ पर किधर गया, तो आप लोग को यहाँ पर कलर्स मिल जाएगा, ये रहा कलर्स। देन इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो गाइस हम लोग कुछ इस टाइप में इसका आधा कलर रखेंगे। देन यहाँ से हम लोग ये वाला पहला कादरी में जो ये वाला कलर रखेंगे। देन उसके बाद हम लोग एडिट में जो है येल्लो कलर रखेंगे, तो येल्लो हम लोग कर लेंगे। तो गाइस यहाँ से हम लोग येलो कर लेंगे, तो काफी अच्छा लगेगा। देन इसके बाद कर देंगे हम लोग यहाँ पर डन। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा हो चुका है। देन उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर अगर कुछ और लिखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं सब्सक्राइब नाउ, तो आप लोग को भी सब्सक्राइब नाउ यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ, या तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हो अपने चैनल के बारे में, या फिर आपका चैनल किस कैटेगरी का आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हम सब्सक्राइब नाउ लिख देते हैं, सब्सक्राइब नाउ है ना। तो यहाँ पर हम सब्सक्राइब नाउ कर लिए हैं। देन कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर कुछ ऐसे ऐड करेंगे यहाँ पर, देन ऐसे करके हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे।
देन यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देन गाइस उसके बाद आप लोग को इसको छोटा कर लेना कुछ इस टाइप में, आप लोग को यहाँ पर छोटा कर लेना इसको। देन यहाँ पर हम लोग इसको छोटा कर लेंगे कुछ इस टाइप से। सॉरी यहाँ पर हमारा ये हो गया टच। तो गाइस यहाँ पर हमारा इधर उधर ये नीचे वाला जो है अपना बैकग्राउंड जो है वो इधर उधर हो जा रहा है। तो गाइस आप लोग को सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को इस पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आप लोग को इसको जो है यहाँ पर लॉक कर देना, तो हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। देन यहाँ पर इसको भी लॉक कर देंगे। आते हैं हम यहाँ से बैक, उसके बाद आप लोग को इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करेंगे इसका साइज, देन कुछ इस टाइप से। देन यहाँ पर इतना बड़ा करेंगे। देन यहाँ पर इतना बड़ा करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर ऐसे ऐड कर लेना है, काफ़ी अच्छा लगेगा। देन उसके बाद आप लोग को फिर से टेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना फॉलो, फॉलो आप लोग को यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर हम फॉलो दे देते हैं, तो आप लोग को भी फॉलो ऐड कर लेना है। यहाँ पर हम फॉलो, उसके बाद ऑल द रेड दे करके यहाँ पर डन कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर हम फॉलो इसलिए दिए कि क्योंकि हमारा सोशल मीडिया लिंक अभी है बहुत सारा, तो यहाँ पर हम सोशल मीडिया का लोगो ऐड करेंगे। देन यहाँ पर अपना मीडिया का लोगो ऐड करेंगे सोशल मीडिया लिंक का। तो यहाँ पर इसका हम फॉन्ट जो इसका चेंज करेंगे। तो गाइस आप लोग को यहाँ पर स्टाइल मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो ए बी यहाँ पर फॉन्ट है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्टाइल बी स्टाइल मिल जाएगा। देन आप लोग को यहाँ पर बोल्ड पे क्लिक कर देना। देन इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करना है ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पर आप लोग को प्लस आइकन पे क्लिक करके कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पर जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप लोग को इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको जो आप लोग को छोटा कर लेना है। देन इतना छोटा कर लेंगे हम लोग। देन यहाँ पर आप गाइस हम लोग यहाँ अपने सोशल मीडिया का जो है लोगो उसको ऐड करेंगे। तो गाइस उसको आप लोग यहाँ पर प्लस आइकन मिल जाएगा। देन यहाँ से क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाना है। देन यहाँ पर हम अपने सोशल मीडिया का लोगो ऐड कर लेंगे कुछ इस टाइप से, इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। देन यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे कुछ इस टाइप में। देन यहाँ से हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा कलर अभी ब्लैक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कलर्स मिल जाएगा। देन यहाँ पर देख सकते हो ये वाला कलर्स यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। देन इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो इसको व्हाइट कर लेना है, तो हम यहाँ पर व्हाइट कर लेंगे। देन इसको कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर छोटा करके साइज बना करके एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ पर साइज बना लेंगे। देन ऐसे करके गाइस आप लोग को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा हम लोग का इधर घूम गया, तो गाइस आप लोग को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है कुछ इस टाइप से। देन यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो अच्छा लगेगा देखने में। अरे यार थोड़ा सा इसको मैं और जूम करता हूँ, नहीं हो रहा है। तो आप लोग को भी जूम कर लेना, अगर ऐसे हो जाएगा तो आप लोग को यहाँ पर जूम कर लेना है कुछ इस टाइप से। हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में गाइस। तो यहाँ पर अपना सोशल मीडिया लिंक ऐड कर देते हैं। देन इतना होने के बाद आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर जूम को छोटा कर लेना, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो बस यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर अपना लोगो को ऐड करना है, मतलब अपना चैनल का डीपी लोगो जो है उसको ऐड करना है। तो गाइस आप लोग को यहाँ पर फिर से फ्रॉम गैलरी पे जाना है, यहाँ पर अपने लोगो को ऐड कर लेना। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अपने लोगो को। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने लोगो को ऐड कर लिया। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर ये वाला आइकन मिल जाएगा। देन इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर हमारा ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसको हम लोग छोटा करके कुछ इस टाइप में यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद कर देंगे डन। तो गाइस अब यहाँ पर अपने लोगो को छोटा कर लेना आप लोग को, देन कुछ इस तरह से। देन यहाँ पर छोटा करके गाइस आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है साइज बना करके एडजस्ट कर लेना है। देन यहाँ पर कुछ इस टाइप से अपने लोगो को यहाँ पर बीच में रखना आप लोग को। देन ऐसे आप लोग को ऐड कर लेना अपने लोगो को। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर साइड में जो एरो वाला इफेक्ट जो है व्हाइट एरो, इसको हम लोग को ऐड करेंगे। तो गाइस आप लोग को यहाँ पर ऊपर की तरफ आना है। देन आप लोग को यहाँ पर स्टॉक मिल जाएगा। देन इस पर क्लिक करना आप लोग को। स्टॉक पे क्लिक करने से आप लोग को इसको ऑन कर देना, यहाँ पर हमारा व्हाइट हो जाएगा। देन थोड़ा सा हम ब्लैक इफेक्ट डालेंगे शेडो, तो यहाँ पर आप लोग को शेडो पे क्लिक करके इसको इनेबल करना है। देन यहाँ पर इसको आप लोग को थोड़ा सा कम कर लेना है कुछ इस टाइप से, तो काफ़ी अच्छा लगने में। तो यहाँ पर हम 4 पे रखते हैं। देन उसके बाद कर देंगे डन। ओके तो गाइस हम लोग अब यहाँ पर इसको जो है लॉक कर देंगे ये सब, ताकि हमारा इधर उधर हो ना जाए। तो हम यहाँ पर इसको और इसको सब कुछ यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। देन इधर हमारा इतना लॉक हो चुका है, अब हमारा लोगो भी यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। देन इसको भी लॉक करके देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऐड करना है, प्लस वाला आइकन पे आना है, फिर से यहाँ पर हम लोग PNG ऐड करेंगे। तो गाइस हम लोग ये वाला PNG जो है इसको ऐड करेंगे कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को यहाँ पर इसको छोटा कर लेना है कुछ इस टाइप में। देन इसको आप लोग को छोटा करके गाइस आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है एडजस्ट कर लेना है कुछ इस टाइप में। तो हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से साइज बना लेंगे। देन ऐसे करके गाइस आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से ऐड कर लेना है। तो गाइस इसका आप लोग को डुप्लीकेट बनाना है, तो आप लोग को यहाँ पर कॉपी है, कॉपी सेटिंग पे आना है। देन क्रॉप पे क्लिक करना है। अब क्रॉप पे क्लिक करने से आप लोग इसको इधर घुमा लेना है, देन ऊपर की तरफ कर लेना है। तो उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर जो इसको इधर ऐड कर लेना है। तो गाइस इसका कलर जो हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कर लेंगे इसका कलर। तो यहाँ पर हम इसको ब्लैक कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो आप लोग को भी ब्लैक कर लेना है, तो इसका भी हम कलर जो है ब्लैक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को भी ब्लैक कर लेना है, तो यहाँ पर हम ब्लैक कर लेते हैं। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐड कर देना है, ताकि हमारा लोगो बन जाए। देन यहाँ पर गाइस इतना होने के बाद हमारा लोगो काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है। देन अब हम लोग यहाँ पर ब्लैक शेडो, ब्लैक इफेक्ट जो अपने यहाँ पर चारों तरफ इस पर यहाँ पर ऐड करेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में गाइस, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा। देन यहाँ से आप लोग को फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर जाना है।
यहाँ पर आने के वजह से आप लोग को ये वाला मिल जाएगा, देन इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सब कुछ आप लोग को, जितना भी मैं यूज़ कर रहा हूँ सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कुछ इस टाइप से हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे, देन ऐसे करके यहाँ पर, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पर शेडो को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं, देन ऐसे आप लोग को भी यहाँ कर लेना है, देन ऐसे करके आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना, काफ़ी अच्छा आपका लोगो यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे, देन गाइस कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पर लोगो हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमारा लोगो बिल्कुल बन चुका है प्रोफेशनल तरीके से। तो गाइस चलिए अब आप लोग को मैं यूट्यूब पे ऐड करके दिखाऊंगा। तो गाइस उसके उससे पहले आप लोग को इसको सेव करना है, तो सेव करने से पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर बहुत फीका सा कलर है, यहाँ पर देख सकते हो अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर जो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो गाइस आप लोग को यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज करना है, तो गाइस आप लोग इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर कोने में इस पर आ जाना आप लोग को, देन यहाँ पर इस पर आप लोग को आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पर कलर्स मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इस कलर वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आप लोग एक कलर रख सकते हो, यहाँ पर मिक्स कलर रख सकते हो, तो बस यहाँ पर आप लोग जो कलर चाहो रख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। तो बस हम लोग ये वाला कलर रखेंगे, ये वाला कलर रखेंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो बस हम लोग ये कलर रख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर देंगे डन, ओके। देन यहाँ से इतना करने के बाद आप लोग को इसको सेव करना है, तो आप लोग को यहाँ पर सेव वाला आइकन मिल जाएगा, देन यहाँ से आप लोग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सेव इमेज मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को सेव करने का तरीका। तो वैसे आप लोग यहाँ पर हाई क्वालिटी में भी कर सकते हो, लो क्वालिटी में भी कर सकते हो और अल्ट्रा में भी कर सकते हो। तो वैसे हम लोग यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करने से आप लोग को यहाँ पर नीचे सबसे नीचे मिल जाएगा अल्ट्रा, देन आप लोग को अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोग यहाँ से कर लेना है सेव। तो वैसे यहाँ पर हमारा सेव हो गया। सो हेलो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो हमारा यूट्यूब का होम पेज काफी अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल लग रहा है। तो वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो बस आप लोग भी ऐसे बिल्कुल बना सकते हो, अपने चैनल को भी प्रोफेशनल बना सकते हो। तो गाइस बनाने के लिए आप लोग भी यूट्यूब बैनर को क्रिएट कीजिए, बनाइए फिर अपने यूट्यूब का होम पेज में जो अपने बैनर को ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा आपका चैनल देखने मिलेगा, काफ़ी लोग जो है देखेगा, फिर सब्सक्राइब करेगा, आपका सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ेगा। एंड गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आप लोग को अगर बनाना नहीं आता तो आप लोग हमें जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, तो आपका बैनर मैं बना दूंगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।